यहाँ भट्टा कट्टा जवान है, सर्दी का पता ही नहीं है, बिल्कुल कोई पता नहीं है सर्दी का। ये देखें जनाब, जनाब भट्टे कट्टे नौजवान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फजल करम और रहमत से और शुक्र से आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें। तो आज जनाब अवाम ये तैयार हो गई, आज बड़े दिन के बाद जो है ना वो कहते हैं कि आज कढ़ाई खाने चलें, क्योंकि मौसम ही ठंडा और तिक्के और कढ़ाई होनी चाहिए आज। तो हमने सोचा इधर ही पकाते हैं, तो वो कहते नहीं, वो उधर ही चलते हैं, जो होटल पे चलते हैं, तो पुरानी जगह पे जहाँ पे पहले भी खाते हैं, वो उनका बड़ा अच्छा टेस्ट है, तो उधर ही चलते हैं। मैंने कहा सोचा ठीक है जनाब, मैंने कहा ठीक है जनाब आपकी मर्ज़ी, उधर ही चलते हैं। माशाल्लाह जनाब, वाम कढ़ाई के लिए तैयारी, बहुत सर्दी लगती है, ठंड ठंड गाड़ी ले आना था, क्यों लाई तो देखो जरा वो गाड़ी वो गाड़ी खड़ी है, ले आओ उधर, खलती हुई है किधर, खलती हुई है गाड़ी। तो अभी जनाब जा रहे हैं माशाल्लाह जनाब चिकन कढ़ाई खाने के लिए। तो आज बड़े दिनों के बाद जनाब हमने सोचा कि आज चिकन कढ़ाई, मौसम भी अच्छा ठंडा है और चिकन कढ़ाई जो है ना आज खानी चाहिए। तो अब जनाब वहाँ तैयार हो गई है, तो हम माशाल्लाह जा रहे हैं जनाब। आधे बंदे तो नहीं आए हो, वो पीछे रह गए हैं, तो हमने बोला आप कल आना, कल फिर चलेंगे, तो फिर जनाब कल प्रोग्राम बनाएंगे तो फिर आप जाना। हम अभी ईशा की नमाज अदा करके जो है ना आ गए, और फिर जनाब हमने तैयारी बना ली है चिकन कढ़ाई की। तो अभी हम जाएंगे तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर जाएंगे। अभी इस ठंड में मोटरसाइकिलों पर अपने ही मज़ा है जाने का। बहुत ही ठंड है मोटरसाइकिल पर, खासकर बहुत ज़्यादा ठंड है। हाँ जी बात ठंड है, ठंड ठंड लग रही है, कोई नहीं ज़बरदस्त। ये देखिए जनाब, ये पावरफुल नौजवान है, इनको ठंड नहीं लगती, ज़बरदस्त नौजवान है ये। जनाब बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंडी हवा लग रही है, खासकर मोटरसाइकिल पर आपको पता बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। अगर आपने सर्दी का मज़ा लेना, अगर आपको सर्दी नहीं लगती तो मोटरसाइकिल पर बैठिए, मोटरसाइकिल चलाएं थोड़ी देर जनाब, आपको पता लग जाएगा, सही करके पता लगेगा। सर्दी होती क्या है, हड्डियों में बढ़ जाती है, हड्डियों में घुसी जाती है। किधर गए जवान हमारे, वो पीछे आ रहे हैं जनाब। काफ़ी 2 किलोमीटर आगे है, 2-2.5 किलोमीटर, इतनी दूर जाना। टेंपर से बच के भी, टेंपर से बचना चाहिए, ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। जनाब अभी बाजार जो है सारा बंद हो चुका है तकरीबन, इधर भी जनाब। हाँ जी फरुदा साहब, बाजार जो है सारा तकरीबन बंद हो चुका है। अभी पठानो क्या हाल है तुम्हारा, डटे हो? हाल कोई नहीं यार, हाल कोई नहीं है, खराब हो गई। जो इमरान खान हाल खराब की थे, पीपल पार्टी दे हाल खराब है, पीपल पार्टी 2 नंबर हो गई। अच्छा जी, 3 नंबर कर देने जनाब, क्यों हो गए? किसी के ऐसे पीटीआई के सपोर्टर हैं इंशाल्लाह। ए बंदा लोटा है, ए देखो ना लोटा है, किड़ा इस बंदी यार वाली लोटा ही इसी चौके पर बाल्टी बाड़, ए लोटा पार्टी जा, इसी बाल्टी बाड़, इसी इसी पानी सटो। अच्छा और सुनाओ, सब खैर है? चलो ये बंद कर देती है। अपने डॉक्टर साहब बैठे होंगे जनाब सामने, जनाब इनसे एक दवाई लेनी है और पता करेंगे जनाब, अगर मिलेगी तो ले लेंगे जनाब। जनाब अपने डॉक्टर साहब के साथ पास से जनाब आए हैं, स्पेशल जो दवाई नहीं मिली इधर से, अब क्या करें जनाब, कब आएंगे फिर, कब आएंगे फिर? आएंगी तकरीबन 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद इसे, तो तब तक बंदा पुट्ठा हो जाए, अरे मिल जाती है बाजार से। चलो ठीक है, अभी सब बंद है, नहीं खुले हुए हैं आप? अच्छा चलो कोशिश करते हैं जनाब, ठीक है, खुदा हाफिज।
सब खैर है। ये है जनाब यूब होटल पिज़्ज़ा शॉप। ये पेट्रोल पंप है, इससे थोड़ा सा आगे रह गया 1.5 किलोमीटर। ये पकवाई सेंटर है जनाब इधर। बंदूक पकड़ लिया हमने, बंदूक पकड़ लिया हमने जनाब। आप रुकना था, थोड़ा सा काम था मुझे बाजार, दवाई का पता कर रहा था, दवाई फिर भी नहीं मिली। यहाँ पे एक स्टोर है जनाब, इधर से पता करवा लेते हैं जनाब, अगर पता कर लेते हैं, अगर दवाई मिल गई तो शायद मिल जाए। अच्छा स्टोर जनाब, आपने ऑर्डर दे दिया पहले? अभी नहीं दिया ऑर्डर, यार ऑर्डर कर देना सर। देखिए जनाब हट्टा कट्टा जवान है, सर्दी का पता ही नहीं है, बिल्कुल कोई पता नहीं है सर्दी का। ये देखिए जनाब, जनाब हट्टे कट्टे नौजवान। ये भी हस्पताल है जनाब, है बंद है अभी जनाब। ये जनाब ठिकाना जहाँ पे हमने आना था जनाब। सुनाओ की हाल चाल, ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल फिट फाट। तो जनाब ऑर्डर कर दिए जनाब, कढ़ाई का और क्या क्या बताया, और टिक्के वगैरह बताया? कुछ नहीं बताया, कुछ बताया नहीं यार, कुछ नहीं बताया यार। ऐसे ना करो यार, झूठ नहीं बोलते बेटा, झूठ नहीं बोलते, हाँ सही बोलते। क्या क्या बताया? टिक्के भी बताया, कुछ भी नहीं बताया। भी कहाँ था तेरे पास हसरी भी तेरा आप ही बकवास करो, झूठ बोल रहे यार, झूठ नहीं बोलते ठीक है। और कढ़ाई बताइए तो इंशाल्लाह अभी वो तैयार कर रहे हैं, तो आ जाएंगे टिक्के पहले आपको पता कि कुछ देना गर्म गर्म पहले खा लेंगे फिर बाद में कढ़ाई खाएंगे। वीडियो बनाएंगे माशाल्लाह जनाब, कढ़ाई भी आ गई है साथ ही, और जनाब साथ ही टिक्के भी आ गए। शुरू हो जाओ जनाब, बिस्मिल्लाह पढ़ के जबरदस्त कढ़ाई जनाब, शानदार तो जनाब वापस आ चुके हैं जनाब। अब तो जवानों ठंड तो लगी ज़्यादा, वैस को लगी है ज़्यादा जनाब। ये देखें इसको ठंड के मारे हुए, इसका हाल देखें जनाब, इधर तो करो मुँह यार। कोई नहीं खैर, ये कोई नहीं, अभी बिस्तर में जाना, कोई नहीं मसला, घबराना नहीं बस आपने ठीक है। कढ़ाई खा के आए हैं, टिक्के खा के आए हैं गरम, तो आपको ठंड तो नहीं लगनी चाहिए ज़्यादा। कल जनाब मेला है, तो ये सारी वाम तैयार है, तो कल चलेंगे मेले में भी इंशाल्लाह, कल का व्लॉग भी अच्छा होगा जनाब ठीक है। वाम जनाब वाम तो चली गई है, अब माने हम भी चलें, तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना मत भूलिए मेरे चैनल को। तो जनाब अल्लाह पाक हम सब को पंजगाना नमाज कामी करने की तौफीक फरमाए, और तमाम ज़मीनी आसमानी अफ़ातों बलिया से महफूज़ फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। खुदा हाफिज़।